हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट वे इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखे कि मैं और मेरी टीम मराठी, इंग्लिश, मैथ्स हर सब्जेक्ट में आप लोगों के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रही। हिंदी मीडियम के लिए जो जितना ज़्यादा हो सके हम लोग ने किया। और जैसे आज आप लोग ने साइंस वन का जो पेपर दे के आए, जिसने वीडियो को देखा था उसने देखा कि हमारे जो भी वीडियो में क्वेश्चन बताए गए थे, जैसे मेंडेलियव की विषमताएँ, कैपलर्स और बाएं हाथ का नियम, इसरो, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने वो वीडियो में डिस्कस किए थे, जो 60% हमारे मस्ट डू लिस्ट से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट से कवर हुआ था। तो ऐसे आने वाले टाइम में अभी हमारा ये साइंस टू के भी जो बनाने जा रहा हूँ, जो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हो, प्लीज़ चैनल से जुड़ जाओ। आने वाले टाइम में भी हम लोग ऐसी हेल्प आप लोगों को करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में जो भी अपना जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल जाएंगे। और बेटा, बेल आइकन को ज़रूर दबाना कि जिसकी वजह से जो भी वीडियो हम लोग चैनल पर डालेंगे आप लोगों को पास तुरंत पहुँच जाएगा। और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज उनको भी इसकी ज़रूरत है। चलो अभी हम लोग साइंस टू का देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला 10 चैप्टर होता है, आप लोगों को भी पता रहेगा। चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 में बेटा तुम लोगों को क्या क्या करना है इम्पोर्टेंट वो सब बता दे रहा हूँ। सबसे पहला अनुवांशिकता की परिभाषा पूछेगा, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, बस वो पढ़ लेना। उसके बाद ये 3 जो दिया गया है, प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण, ये तीनों की परिभाषा और ये तीनों का डायग्राम जो पीछे दिए गए, ये तीनों का डायग्राम अच्छे से कर लेना आप लोग, 1 2 3। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, एक परिभाषा हम लोग बीच में से पूछ सकते हैं, किसको, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा किसे कहते हैं, तो इसको भी आप लोग कर लेना। देन उसके बाद में आप लोग आ जाओ उत्क्रांति की परिभाषा कर लेना। उसके बाद में उत्क्रांति का क्या सिद्धांत है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो उत्क्रांति दिया गया है, उत्क्रांति का प्रमाण, मतलब 2 प्रमाण होते हैं, ये बाह्य रूपीकरण प्रमाण रहता है और एक रहता है शरीर विज्ञान प्रमाण, मतलब अंतर रचना प्रमाण। तो बेटा ये दोनों भी कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद में अवशेषांक क्या रहता है उसके बारे में पढ़ लेना, और अवशेषांक के बारे में क्या क्या एग्जाम्पल दिया गया है उसके बारे में पढ़ लेना। और एक परिभाषा यहाँ से मिलती है कि कार्बन डेटिंग किसे कहते हैं, मतलब कार्बन आयु निर्धारण किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को बीच में का पता रहना चाहिए। और ये जो आपको बताना चाहता हूँ ये संयोजीकरण का के बारे में है, संयोजीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। संयोजी घड़ी ये वाला है, वो भी उसी का पार्ट था, संयोजी घड़ी, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद मार्क करो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डार्विन, इसके ऊपर भी 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ले मार्क वर्क भी कर लीजिए, 2-2 मार्क या 3-3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आप लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स नहीं है बस करो। चलो उसके अंदर चलो हम लोग स्वाध्याय में देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में आ ई ए, ये 3 हो गया। अब मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, जिसका कुछ भी नहीं हुआ ना, सबसे पहले जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको कर लेना, और जिसका हो चुका है ना उन लोग वाला भी रिवीजन करना और ये वाला अपना ज़्यादा करना। इसमें भी क्वेश्चन नंबर अ ई उ और टिप्पणी में आप लोग अ आ ई उ, मीन्स मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, जिसका कुछ भी नहीं हुआ अभी करके, मतलब सर हमारा बहुत बाकी है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको ही बस अच्छे से करोगे तो भी मोर देन इनफ है। और जिसका सब हो चुका है तो ये वाला अच्छे से करो, उसके बाद में जो बच गया जो मैं इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ वो
और जो आप लोग ने पहले से भी याद करके रखा उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। एक क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, कार्बोज हमें कितना हर दिन चाहिए रहता है, तो ये सब पूछा जाता है, तो उसको भी अच्छे से कर लेना। ग्लूकोज विघटन के ऊपर पूछा सकते हैं 2 मार्क के लिए। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद में आप लोग ये दोनों चार्ट को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चार्ट को अच्छे से करके जाइए। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे भी एक परिभाषा दिया गया, फर्स्ट क्लास प्रतिदिन किसे कहते हैं, इसको अच्छे से करके जाओ, ये वेब चार्ट को अच्छे से कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लिपिड किसे कहते हैं इसको भी कर लीजिए एक बार, ये भी बीच बीच से पूछा जाता है। चलो आगे देखते हैं। और जीवन सत्व के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आप लोग को नॉलेज रहना चाहिए, और कौन से प्रकार में कौन कौन सा घुलनशील रहता है वो सब चीज़ आप लोगों को पता रहना चाहिए, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जीवन सत्व के बाद में पोषक तत्व भी पढ़ के जाइए, पोषक तत्व किसे कहते हैं, ठीक है, पोषक तत्व के बारे में अच्छे से कर लो। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क में से पूछा जाता है, कोशिका विभाजन क्या है और कोशिका विभाजन के प्रकार किस क्या लिखो। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे 2 टाइप के कोशिका विभाजन रहते हैं, एक तो रहता है आपका समसूत्री कोशिका विभाजन और एक रहता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, ये 2 टाइप रहते हैं। समसूत्री के अंदर भी 3-4 टाइप रहते हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अत्यावस्था, और अर्धसूत्री में 2 रहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के 2 रहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 एंड अर्धसूत्री विभाजन भाग 2। तो ये ब्रीफ आंसर है, थोड़ा अच्छे से कर लेना। उसके बाद में चलो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेना, परिभाषा भी पूरा कर लीजिए, ये जो अंतर स्पष्ट है उसको कुछ भी छोड़ के मत जाओ, जो स्वाध्याय के है सब करके जाओ आप लोग। उसके अन्य वैज्ञानिक कारण में क्वेश्चन नंबर अ, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए। उसके अन्य विस्तार पूर्वक में अ आ उ, उसका नहीं चार्ट भी करना है आप लोगों को। चलो तीसरे लेसन में हम लोग पहुंच गए हैं, ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों का तीसरा लेसन चालू हो चुका है। चलो देखते हैं इसमें आप लोग क्या करेंगे। अभी देखो यहाँ पे दिया गया है एक कोष के सजीवों के लैंगिक प्रजनन, तो द्विविभाजन इसके ऊपर पढ़ लीजिए, बहुविभाजन उसके ऊपर पढ़ लीजिए। ये सब 2-2 मार्क के लिए पूछा जाता है, मुकुलन किसे कहते हैं। उसके बाद में आप लोगों को ये पूछ सकते हैं खंडी भवन, पुनर्जन्म, मतलब बहुकोशिकी सजीवों के अलैंगिक प्रजनन में रहते हैं ये सब, ये भी याद रखना, मुकुलन, शाकीय प्रजनन, ये सब चीज़ें भी पूछे जाते हैं 2-2 मार्क के लिए, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। उसके बाद में ये बीजाणुओं का निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी ये लैंगिक प्रजनन भी कर लो, लैंगिक प्रजनन भी इम्पोर्टेंट है, साइंस 2 है, अंदर का बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, तो प्लीज़ ध्यान लगाना। उसके बाद में युग्मक का निर्माण कैसे होता है, फलन कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े रहेंगे, आपके साइंस टीचर ने पढ़ाया रहेगा, और नहीं पता रहेगा तो कमेंट्स करो, मैं तुम लोग को बताऊँगा। वनस्पति के लैंगिक प्रजनन क्या है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लैंगिक प्रजनन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दोहरा फलन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने का 3 मार्क नहीं तो 5 मार्क में पूछा जाता है। इसके जो चार्ट दिख रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद में मानवीय पुरुष प्रजनन संस्था, मानवीय स्त्री प्रजनन संस्था, ये इम्पोर्टेंट है। युग्माणु निर्माण फलन दोनों इम्पोर्टेंट है। इसको मार्क करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क का मोस्ट बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए। क्या ऋतुचक्र मासिक धर्म, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना बेटा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे इसके 4 संप्रेरक होते हैं, स्फुटिका ग्रंथि, तो चारों स्फुटिका ग्रंथि के नाम रख याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? उसको लिखोगे ज़्यादा मार्क्स देगा एग्जामिनर। और अगर तुम वो नाम ही बस याद कर ले और थोड़ा सा बता दे तो भी आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कांच नलिका, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थापन मातृत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है, और मार्क करना मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। वीर्यवंत, उसके बाद में जुड़वा, जुड़वा के ऊपर इतना पढ़ लेना बेटा बहुत है। इसमें 2 टाइप भी है, एक युग्मक जुड़वा, द्वियुग्मक जुड़वा। चलो अभी इसके एग्जांपल स्वाध्याय में देख लेते जल्दी जल्दी, ये करके आना है, मार्क करते रहो आप लोग भी, ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेना आप लोग। उसके बाद संक्षेप में आप लोगों को पहला अ आ ई पाँच मतलब चौथा वाला नामांकित आकृति सब देख के जाओ एक बार आप लोग, उसमें से ये तीनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वनस्पतियों के लैंगिक प्रजनन वाला, वो फूल वाला जो मैंने बताया था आप लोगों को, फूल बनाना पड़ता है। 8वां 9वां 10वां 11वां चारों कर लो बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस चैप्टर से दिखेगा। अभी 4 चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है जो अपने से आगे निकल गया, पर्यावरण परिसंस्था के बीच में संबंध, मतलब अंतर स्पष्ट करो, पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में आप लोग को ये इनके बारे में पढ़ के जाना है आपको, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आप लोग देवराई के ऊपर भी पढ़ लेना, ये 4 जो लिख रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये मार्क करो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खतरों में आई प्रजातियों का वर्गीकरण 3 मार्क में पूछ सकता है, ये चैप्टर के स्वाध्याय में सब करके जाने का ऑल। चलो नेक्स्ट 5 चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहला ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा की परिभाषा और उसके प्रकार वो याद कर लेना। उसके बाद में आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके ऊपर आकृति पूछा जाता है, ये एक्टिविटी बेस पे आप लोगों को ये बना के देगा, इसके नाम लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसको अच्छे से करके जाओ। और जितना भी चार्ट दिया गया है, ऐसा चार्ट दिया गया है एक्टिविटी बेस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, पूछते एग्जाम में, तो उसको अच्छे से करके जाने का बेटा, ठीक है? चलो ध्यान देते आगे। मीन्स इसमें ये वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन है देखो आपका, ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, उसमें ऊर्जा पर आधारित या विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र, तो इसके ऊपर ये पूछेंगे, तो इसके ऊपर ये भी पूछ सकते हैं। तो समस्या देखो, उसमें ऊर्जा का इधर दिया गया है, ये उसमें ऊर्जा का है, राइटिंग थोड़ी खराब है, मैनेज करके चलो। उसके बाद में आप लोगों को ये करके आना है ये चार्ट अच्छे से, क्या अगले इसके ऊपर एक्टिविटी बेस पूछते हैं एग्जाम में। चलो अभी ये वाला डायग्राम भी आप लोगों को अच्छे से करके आना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में भी आप लोगों को देखो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा के बारे में दिया गया है, इसको भी पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है? समझ में आ रहा है ना सबको? चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या रहेगा इम्पोर्टेंट। अभी परमाणु ऊर्जा का जो समस्या है देखो यहाँ पे दिया गया है, मैंने क्या बोला हर चीज़ों का, परमाणु ऊर्जा कैसे करते, विद्युत ऊर्जा कैसे करते, वो सब चीज़ों का बताओ, उसके बारे में 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, उसकी समस्या दो दो समस्या पढ़ लो, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा भी दिया गया, देखो इसके ऊपर ये डायग्राम अच्छे से करके आओ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है मार्क करना। जल विद्युतीय ऊर्जा, उसके अंदर ये चार्ट दोनों, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है,
जल विद्युत ऊर्जा में के दोनों टाइप दिए गए, एक तो लाभ भी दिया, एक तो हाँ जल विद्युत निर्माण की क्या समक्ष समस्याएं आती है। तो देखो लाभ का दो तीन पॉइंट या दो पॉइंट करोगे तो भी याद रहेगा चलेगा, और समस्या भी दो का दोनों करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, उसमें ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, ये डायग्राम, ये चार्ट भी इम्पोर्टेंट है, सौर उसमें ऊर्जा इम्पोर्टेंट है, इसका ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, सौर उसमें ऊर्जा का ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज में आ जाते हैं हम लोग, क्या क्या करना है। देखो बेटा सबसे पहला आप लोग ऑब्जेक्टिव खुद से कर लेना, अंतर स्पष्ट करो दोनों। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 में भी दोनों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 के सब ये चार में से एक तो जरूर पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 11 में आ, उसके बाद में ई ई, चार क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। प्राणियों का वर्गीकरण पे आ जाइए आप लोग, प्राणियों का वर्गीकरण में सबसे पहला प्राणियों का वर्गीकरण की परिभाषा, देखो ये पीले बॉक्स में जो दिया गया उसको कर लेना। प्राणियों वर्गीकरण के लाभ मार्क करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिए, जो ब्लू बॉक्स में दिया गया है। असंपिष्ट राज्यों के 10 जो संघ के नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए, देखो ये चार्ट में दिया गया है, एक बार ये चार्ट को पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आद्र स्तर अजन स्तर, इसके एग्जाम्पल के साथ में द्विस्तरी त्रिस्तरी दोनों लिखने का, प्राणी संघ के बारे में लिखने का। प्राणी संघ में क्या बोला आप लोगों को, 11 प्राणी संघ रहते हैं, 11 प्राणी संघ मार्क करना मेरे अवार्ड को कैसा रहेगा, प्राणी संघ के बारे में लिखने बोलेगा, तो 11 प्राणी संघ है, 11 के नाम जो जो दिया गया है और उसके दो दो एग्जाम्पल विद डायग्राम आप लोगों को आना चाहिए लिखने एग्जाम में। डेफिनेटली इसके प्राणी संघ के ऊपर दो क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को, तो अच्छे से करके जाइए इसमें। जैसे देखो प्राणी संघ में एक तो ये बहुत बार पूछा था एग्जाम में, हाइड्रा कॉकरोच के ऊपर पूछा गया है, बटरफ्लाई के ऊपर पूछा गया है, ये सब मतलब बार बार पूछा जाता है, लेकिन आप लोग सब चीज़ों को रिफ़र करके जाइए। चलो स्वाध्याय में क्या क्या इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। स्वाध्याय में सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ई, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना। उसके अंदर वैज्ञानिक कारण में क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला ई भी करना है आप लोगों को, वैज्ञानिक कारण में क्वेश्चन नंबर आ, ये तीन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये तीनों कर लेना है। ये वाले पेज में ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, सब अच्छे से करके जाना है इसमें। चलो बेटा अभी हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुग्ध जन्य पदार्थ। बस देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ही पढ़ना, ये पार्ट आपका उम्मीद है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे योगर्ट उत्पादन, योगर्ट उत्पादन कर लीजिए अच्छे से, और योगर्ट उत्पादन के जीवाणुओं के बारे में भी पढ़ लेना जो दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें लिखोगे तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, और हम लोग को सामने वाले से फुल निकालना है, इतनी मेहनत इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर जब चेक करे तो बोले कि भाई इसको तो पूरा देना चाहिए, ऐसा उसके मन में आवाज़ आनी चाहिए, तो ऐसा लिखो। प्रोबायोटिक्स इसको भी करना है, पाव के बारे में करना है, पाव के भी जीवाणुओं के नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ पाव के जो जीवाणु है सैक्रोमाइसिस सर्विसेस यहाँ पे दिया गया है, पाव और विनेगर मतलब सिरका, ये दोनों के जीवाणुओं के नाम सेम है, ठीक है। इसके ऊपर भी पढ़ लीजिए ये वाला चार्ट, इसके ऊपर MCQs बन सकते हैं, एक बार इसको पढ़ के जाना। उसके बाद में प्रतिजैविक के बारे में पढ़ लेना, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके बाद में जैव ईंधन के बारे में पढ़ लो और इसके डायग्राफ बना दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आधुनिक भूमि भ्रमण के बारे में पढ़ लेना और इसका ये डायग्राम भी।
सूक्ष्म जैविक टीके जैव कीटनाशक दोनों इम्पोर्टेंट है, दैट्स इट। चलो हम लोग एग्जाम्पल में से इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं। इसमें आप लोग पहला करेंगे, तीसरा करेंगे ई, उसके यानी पांचवा ऊ, उसका यानी ए आई। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका कुछ भी नहीं हुआ ना, सबसे पहले इसको कर लो अच्छे से। हाँ, उसके बाद में आप लोगों को ये वाला पार्ट करना है, वैज्ञानिक कारण में अ करना है, उसके यानी ये छठा क्वेश्चन करना है, लास्ट वन इसे सातवा भी करना है। इतना होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे दे रहा हूँ, आ एंड ई बड़ी वाली। हम लोग चलो चैप्टर नंबर 8 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोशिका विज्ञान। इसके ऊपर परिभाषा, 2 मार्क वगैरह पूछे जाते हैं। उसके लिए मूल कोशिका, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंग प्रत्यारोपण, ये क्या क्या अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके यानी मूल कोशिका उपचार, ये इम्पोर्टेंट है, मीन्स अंग दान और देह दान इसमें से पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर, और इस साल भी आप लोगों के लिए पूछा जाए। इसमें मतलब कोई ना कोई बहुत सारे वेरिएशन, बोलेगा जैव प्रौद्योगिकी के लाभ लिखो, या तो बोलेगा जैव प्रौद्योगिकी के मुख्य रूप लिखो, नहीं तो पूछ सकता है जैव प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग लिखो, व्यवहारिक उपयोग, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर जरूर पूछेंगे। तो आप लोगों को इसको, ये वाले क्वेश्चन को कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, मीन्स ये भी करना है, ये छोड़ के नहीं जाना है, जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर ये वाला जो लिखा गया है ये भी करना है और ये भी करना है। हाँ देखो, जैव प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग, तो ये सब अच्छे से करके जाने का, व्यवहारिक उपयोग एकदम इजी लिखा गया, एकदम इजीली पढ़ोगे हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक खाद, ये क्वेश्चन भी कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पशु संवर्धन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेना, टीकाकरण क्या रहता है उसके बारे में पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर परिभाषा पूछ सकता है, इफ्रॉन, जनुकीय उपचार क्या होता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोनिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी, इन दोनों के ऊपर भी पूछ सकते हैं, ये देखो ये भी जैव प्रौद्योगिकी का ही पार्ट है। डीएनए, खाद्य जैव तकनीक, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हरित क्रांति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 रिवोल्यूशन है, हरित क्रांति, 3 क्रांति है, एक तो हरित क्रांति, एक तो श्वेत क्रांति, एक तो नील क्रांति। ये 3 क्रांति में से 1 क्रांति तो पूछ ही जाएगा, तो आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिए। कीटनाशक के ऊपर, जैविक खाद के ऊपर, मधुपालन और फल प्रक्रिया उद्योग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में पहला, दूसरा एंड पांचवा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, और ये एक्टिविटी भी पूरा कर लेना अच्छे से, ठीक है, सहसंबंध मीन्स। अभी क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो इजीली आप लोगों को समझ के पढ़ना है, और उसको एक बार समझ के अपने आप से भी लिखोगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। ये 2 चैप्टर इसलिए डाला गया एग्जाम में कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सको, अच्छे मार्क्स ला सको, और अपने ओन वर्डिंग से भी लिख सको जो बच्चे कमजोर है, तो इसको बेटा अच्छे से करके जाना है। इसके भी चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते। मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप लोगों के ऊपर भी कभी कभी हुई होगी। व्यसनधीनता, ये भी इम्पोर्टेंट है।
बात करो। उसके बाद में ये तो कोई लड़का जो खाना खा रहा है, हम लोग के घर में भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं, खाना खाते उन लोगों को मोबाइल चाहिए रहता है, मोबाइल लेंगे तभी खाना खाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी ये भी बन सकता है। ये तो कोई, ये भाई साहब फोटो खिंचवा रहे हैं, पीछे से ठोक देंगे, तो इसका टेंशन नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। और देखो ये बेचारा एक्सीडेंट हो गया, इधर पे सब लोगों को फोटो लेने की पड़ी है, यानी कि इसको हॉस्पिटल लेके जाए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब तुम लोग अपने आप से लिख सकते हो, सब क्या बताऊँ मैं, क्या बोलूँ, हो क्या रहा है ये सब। ये साइंस टू लो आप लोग ना बोलते, हार्ड बोल के हार्ड बना दिया, बस हार्ड है नहीं, बोलते बहुत सारा हार्ड है हार्ड है। अब बताओ ये हंसने वाले के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ोगे हो जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के, और इसके स्वाध्याय के सब करके जाओ, एक बार रीडिंग करोगे रट्टा मत मारना, आराम से हो जाएगा। ठीक है चलो लास्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस कर लेते, पहले आपदा के ऊपर पढ़ लेना अच्छे से बेटा, उसके परिभाषा और ये जो चारों आपदाएं हुई उसका क्या क्या रीज़न है, कौन से आपदा में क्या हुआ, वो सब बताने का। आपदाओं के प्रकार एक बार चारे अच्छे से करके जाओ। उसके बाद में आप लोग ये दोनों जो दिख रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लेना। ये आपदा में क्या क्या दिख रहा है, कौन सी घटना दिख रही है, ये भी मार्क करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपदा संप्रबंधन मतलब आपदा मैनेजमेंट वाले, आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा आघात के पश्चात प्रबंधन क्या क्या रहता है उसके बारे में ये भी पढ़ लेना। उसके बाद में देखो जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक ही बार पढ़ना सब हो जाएगा। ये भी ये सब एक्टिविटी बेस है, इसके ऊपर इजीली मार्क्स मिलता है, ये सब अच्छे से करके जाओ। ये वाला कर लेना है तीनों, ये उम्मीद है आपको, ये मत करना। उसके बाद में सब चीज़ हमारा खत्म हो गया है, मार्क करो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिरूप सराव मॉक ड्रिल, इसके ऊपर भी 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है, और तो मेरे हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, और इसका अभी इम्पोर्टेंट अब क्या दूँ मैं इधर पे, तो भी चलो मैं इसके इम्पोर्टेंट में बता दे रहा हूँ, वैसे करना सभी था। टिप्पणी में ये दो इम्पोर्टेंट है और पहला वाला, उसके अंदर तीसरे क्वेश्चन में ये भी कर लेना, ये एक्टिविटी में पूछा जाता है। तीसरे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक दो तीन, ये तीन है। उसके बाद में एक आ कुछ भी दिया रहेगा, मतलब कोई भी आपदा आ गई तो तुम वो आपदा के ऊपर कैसे करोगे, अपने आवाज से भी लिख सकते हो लेकिन पढ़े रहोगे तब। और इधर पे देखो सब एक्टिविटी दिया है, ये ऑल करने का ऑल। ठीक है देखो अभी आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अभी इस टाइम पे कितने बज रहे हैं आप लोग देख लो, 1:59 मीन्स अभी 2 बजने में कहाँ गया यार, एक मिनट आप लोगों को टाइम दिखता रहेगा यहाँ पे, 1:59 मतलब 1 मिनट बाकी है 2 बजने में। मैं इतनी रात को बैठ के बस आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों का अच्छा हो। आप लोग अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा को, अपने अम्मी अब्बू को, सबको प्राउड फील कर सको, इसके लिए बेटा इस पर साइंस टू में आप लोग डरो मत, साइंस टू में टॉप मारने का भी, जैसा बता दिया हम वैसा करके जाओ, इजीली आप लोगों का मार्क्स अच्छा आएगा। डेफिनेटली मेरा वादा है, जो दे रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, उसी में से क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों को, और ज़्यादा हार्ड प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो इतना कर लोगे इजीली मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है देखो 2 बज गए अभी, तो अभी मेरा जो ड्यूटीज थी मैंने रात के 2 बजे तक निभाया, अभी आप लोगों की भी ड्यूटी है इसको रात को 2 बजे 4 बजे पूरी रात भर पढ़ने की, तो इसको अच्छे से निभाओ। ठीक है और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो वीडियो मैं इतनी मेहनत जो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो
तो आप लोग हिंदी मीडियम के हर बच्चों के पास मेरा ये चैनल पता रहना चाहिए, इतना मेरा सपोर्ट करो बेटा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और जो जो चैनल से जुड़े हुए उसको तहे दिल से शुक्रिया, और जो जो नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, बिकॉज आने वाले टाइम में भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जो है जो जो सब्जेक्ट के बच्चे सब प्रोवाइड करते रहेंगे आप लोगों को, जैसे हम लोग चैनल पे डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।